नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज़, आपकी आवाज़। मैं हूं मेरा जबी। बस अनियंत्रित होकर दुकान में घुसी। बिजनौर में लगातार रोडवेज बसों की खस्ता हालत के चलते एक के बाद एक बसों के हादसे हो रहे हैं। उसी के चलते आज चांदपुर डिपो की बस अनियंत्रित होकर दुकान के अंदर घुस गई, जिसमें दुकान के बाहर खड़ी एक एक्टिवा भी बस के नीचे आकर क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यदि कोई इस बस की चपेट में आ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर थाना कोतवाली शहर के जानी के चौराहे का है, जहां पर चांदपुर डिपो की बस चांदपुर की ओर जा रही थी और जानी के चौराहे पर पहुंचते ही बस अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसी। दुकान के बाहर खड़े एक्टिवा भी बस के चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गया। इस बस में लगभग 50 यात्री सवार थे, जो सकुशल बस से उतारकर दूसरी बस में चांदपुर भेजे गए। किसी भी यात्री को कोई चपेट या कोई भी नुकसान नहीं हुआ। वहीं दुकान स्वामी को इस बस हादसे में काफ़ी नुकसान हुआ है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। हादसे के बाद लगे जाम को पुलिस ने खुलवाया। अकमल भाई, क्या हुआ? ये सरकारी बस किसके ब्रेक फेल हो गए? एक स्कूटर है, नुकसान होगी। तुम्हारी दुकान है ये? कोई जनहानि तो नहीं हुई? कोई हताहत तो नहीं हुआ? दुकान है। ड्राइवर कहाँ है? स्कूटर गाड़ी है। ये ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर अंदर बैठे हैं। भाई भाई, क्या हुआ? ये ड्राइवर वापस किसके? हाँ, क्या हुआ? जोर से बताओ। अच्छा, तो ये आप जब चले थे वहाँ से चेक करके नहीं चलते? मैं तो यहीं ब्रेक लिए। तो कितनी सवारी भरी हुई थी इसमें? सवारी तो कोई हताहत तो नहीं हुआ इसमें? नहीं।